गुड मॉर्निंग, मैं रघु पालीवाल सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सांगरी स्कूल के अंदर ऑनलाइन क्लासेज के अंदर क्लास 12th हिंदी अनिवार्य में मैं ग्रामेटिकल टॉपिक में आपको अलंकार, पद परिचय, शब्द शक्ति इत्यादि पढ़ूंगा और इसी के अंतर्गत मैंने अलंकार टॉपिक कम्प्लीटली पढ़ा लिया है और आज हम शब्द शक्ति एक नया टॉपिक अलंकार के पश्चात जो टॉपिक आता है शब्द शक्ति जो एग्जाम्स में 2 नंबर का आता है वह हम आज पढ़ेंगे। आज हम शब्द शक्ति टॉपिक पढ़ेंगे और शब्द शक्ति के टॉपिक के अंतर्गत शब्द शक्ति की परिभाषा, उसके विभिन्न प्रकार के भेद और उनके अर्थों का हम अध्ययन करेंगे। हिंदी अनिवार्य में अगर हम व्याकरण के तौर पर देखें तो शब्द शक्ति टॉपिक कुछ विशेष टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो वार्तालाप करते हैं उन वार्तालाप का अर्थ क्या होता है, हम कहना क्या चाहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज अपना टॉपिक होगा शब्द शक्ति। इस शक्ति शब्द में सब कुछ छुपा हुआ है। शक्ति मतलब शब्द का ही अपने आप में अर्थ क्या होता है, एक क्षमता, एक प्रभाव। तो शक्ति शब्द का मतलब क्या होता है, क्षमता या प्रभाव, यानी उस शब्द में इस प्रकार की शक्ति रहती है कि हम जो कथन व्यक्त करते हैं उस व्यक्त किए हुए कथन का किस व्यक्ति पर, किस आम जनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी प्रभाव को हम आज देखते हैं। परिभाषा के तौर पर जब हम शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा के तौर पर जब हम देखते हैं तो शब्द में अंतर्निहित यानी उस शब्द में जो अर्थ छुपा हुआ है, अर्थ निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। किसी भी वाक्य के शब्द में जो छुपा हुआ अर्थ होता है उस अर्थ को व्यक्त करना जो होता है वो क्या कहलाता है, शब्द शक्ति कहलाता है। हम किसी भी प्रकार के वाक्य में जब बोलते हैं, जैसे सामान्य सी बात में करूं, सीता पुस्तक पढ़ रही है, सीता पुस्तक पढ़ रही है, तो वाक्य जैसा लिखा हुआ है उस वाक्य का हम वैसा वैसा अर्थ निकालते हैं या कुछ हम अलग अर्थ निकालते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीता पुस्तक पढ़ रही है, इसका हम अर्थ वैसे के वैसे निकालते हैं, एक सामान्य सा वाक्य इसका सामान्य सा अर्थ होगा। दूसरा है राजीव गधा है, अब इसका मतलब ये नहीं कि राजीव वास्तव में गधा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो गधा शब्द जो है ये शब्द में कुछ न कुछ अर्थ व्यक्त करवाने का प्रयास कर रहा है। यहां पर गधा शब्द जो है मूर्ख लोगों का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, मूर्ख प्रवृत्ति के लोगों का प्रवृत्ति, मूर्ख प्रवृत्ति लोगों का प्रतीक है। तो यहां पर गधा शब्द जो है राजीव के लिए प्रयुक्त है, राजीव की विशेषता यहाँ पर बताई गई है, अर्थात उसकी प्रवृत्ति, उसका जो व्यवहार है मूर्ख प्रवृत्ति का है, इसलिए गधा शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किया गया। तो इसी शब्द में शक्ति निहित है, इसी शब्द में शक्ति निहित है, इसलिए शब्द शक्ति अपने आप में क्या है, क्षमताशील है और प्रभावशाली है। दूसरा तीसरा सेंटेंस है शाम हो गई, सामान्य सा सेंटेंस है शाम होगी अर्थात संध्या होगी, लेकिन इसी सेंटेंस के हम बहुत सारे अर्थ भी निकाल सकते हैं। जैसे कॉमन सी बात है, हम घर में बैठे या कहीं घूमने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, कहीं ग्राउंड में हम बैठे हैं, कोई महानुभव ये बोलता है शाम हो गई, तो हम एक सामान्य सा अर्थ निकालते हैं संध्या होगी, लेकिन वहां पर जो मेंबर उपस्थित हैं सभी लोग अलग अलग अर्थ निकालेंगे। क्या अर्थ निकालेंगे, जो बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो बोलते हैं संध्या वंदन का समय हो गया, कुछ लोग ये बोलते हैं पूजा पाठ का समय हो गया, घर में महिलाएं जो होती हैं वो ये समझती हैं खाना बनाने का समय हो गया, कुछ एक पुरुष वर्ग ये चाहते हैं आपके एक घूमने का समय हो गया, छात्र वर्ग है विद्यार्थी वर्ग ये बोलते हैं पढ़ाई करने का समय हो गया, लेकिन सेंटेंस तो यहाँ पर कितने हैं, एक ही है शाम हो गई। एक सेंटेंस के विभिन्न प्रसंगों के अनुसार हमने बहुत सारे अर्थ क्या किए, व्यक्त किए हैं। तो एक ही सेंटेंस के जब बहुत सारे हमें अर्थ प्रतीत होते हैं, व्यक्त होते हैं, तो वहाँ पर भी उस शब्द में निहित शक्ति है, इसी शब्द में शाम शब्द में, ये एक ही सेंटेंस जो साम शब्द है, साम शब्द के बहुत सारे हमारे क्या निकल रहे हैं, अर्थ निकल रहे हैं। ऐसा कैसा सेंटेंस अगर मैं विद्यालय के तौर पर लूं, किसके तौर पर, विद्यालय के तौर पर लूं, तो विद्यालय में एक सामान्य सेंटेंस जब मैं बोलता हूं घंटी बज गई अर्थात इंटरवल का समय हो गया, भोजन करने का समय हो गया, 5वां पीरियड लगने का समय हो गया, 2वां पीरियड लगने का समय हो गया, सेंटेंस तो एक ही था घंटी बज गई, विभिन्न स्टाफ ने, विभिन्न छात्र वर्ग ने, विद्यार्थी वर्ग ने, प्यौन वर्ग ने, सभी ने क्या लिए, अलग अलग अर्थ लिए हैं। इसी वजह से एक ही सेंटेंस के जब अलग अलग अर्थ व्यक्त किए जाते हैं वहां पर भी शब्द शक्ति
विभिन्न रूप से मानी जाएगी। तीसरा सेंटेंस है, चौथा पंजाब शेर है। अब इसका मतलब ये नहीं पंजाब शेर है, अब यहां पर पंजाब का मतलब लॉयन नहीं, यहां पर शेर जो है, यहां पर शेर शब्द जो है वो किसका प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, या हम कह सकते हैं शौर्य का प्रतीक है। तो यहां पर पंजाब शब्द जो है, कौन सा पंजाब शब्द जो है, वह पंजाब के लोगों के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में है, पंजाब के लोगों के संदर्भ में। अब पंजाब किसी का नाम तो है नहीं, पंजाब से मतलब क्या है, पंजाब के लोगों से मतलब है, अर्थात पंजाब के लोग जो हैं वह वीर हैं अर्थात साहसी है। उन लोगों की यहाँ पर क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में शब्द शक्ति जो होगी विशेषता के तौर पर बताई गई, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर पंजाब के लक्षण बताए गए हैं। अब इन चारों सेंटेंस को जब मैं वापस देखता हूँ तो सीता पुस्तक पढ़ रही है, जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है इसका अर्थ हम वैसा वैसा व्यक्त कर रहे हैं और वैसा वैसा अर्थ हम ले रहे हैं, इसलिए कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा सेंटेंस जो मैंने बोला है, यहाँ पर हमें कुछ न कुछ हिंट मिल रहा है, कुछ न कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, राजीव गदा है उसकी प्रवृत्ति को यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लक्षण बताए जा रहे हैं, तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तीसरा साम होगी, सेंटेंस एक ही बताया गया है, इस एक सेंटेंस के मैंने आपको बहुत सारे प्रसंग के अकॉर्डिंग अनेक आपको अर्थ बताए, इसलिए यहाँ पर तीसरी शब्द शक्ति जो व्यंजना शब्द शक्ति होगी। और चौथा पंजाब शेर हैं, अर्थात पंजाब के जो निवासी हैं, पंजाब के जो लोग हैं वह वीर हैं साहसी हैं, उन लोगों की यहाँ पर विशेषता बताई गई है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको शब्द शक्ति की परिभाषा और जो मैंने आपको सामान्य चार सेंटेंस बताए हैं, आपके इन चारों सेंटेंसों के पहला दूसरा तीसरा और चौथा शब्द शक्ति के इस माध्यम से हम अलग अलग क्या लेते हैं, इनका अर्थ लेते हैं, किसके अनुसार, शब्द शक्ति के अनुसार। ये बात अपने को यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद हम शब्द शक्ति का विभाजन करते हैं, यानी शब्द शक्ति को कितने भागों में बांटा गया है, शब्द शक्ति के कितने भाग किए गए और उन भागों को किस किस प्रकार से, कौन कौन शब्दों के अकॉर्डिंग, कौन कौन से अर्थ के अकॉर्डिंग हमें व्यक्त किया जाता है। तो शब्द शक्ति के जब भेदों की बात की जाए तो शब्द शक्ति का विभाजन जो है वो तीन भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है, तीन भागों में किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वह आता है अभिधा शब्द शक्ति। क्या नाम आता है, अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति की जब हम बात करें, नंबर एक पर अभिधा शब्द शक्ति आती है, तो अभिधा शब्द शक्ति में जो शब्द प्रयुक्त किया जाएगा, यानी जिस शब्द का यूज होगा, वह शब्द जो क्या कहलाएगा, वाचक शब्द कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, वाचक शब्द। और अभिधा शब्द शक्ति में जो वाचक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, उस वाचक शब्द से जो अर्थ निकलेगा, उस अर्थ को हम वाच्यार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, वाच्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ को हम दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं, वाच्यार्थ को हम मुख्यार्थ भी कह सकते हैं। मुख्यार्थ को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, मुख्यार्थ को हम अभिधेयार्थ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वाच्यार्थ के मैंने आपको तीन बताए हैं, यानी वाच्यार्थ को हम मुख्यार्थ भी कह सकते हैं, वह भी बिल्कुल सही है, वाच्यार्थ मुख्यार्थ को हम अभिधेयार्थ भी कह सकते हैं, वह भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। तो अभिधा शब्द शक्ति का हमने पहला भेद किया था, अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, वाचक शब्द कहलाता है, और वाचक शब्द से निकलने वाला जो अर्थ होता है वह क्या कहलाता है, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ, इसको हम संकेतार्थ भी कह सकते हैं, वह भी इसी के अंतर्गत माना जाता है। नंबर दो पर हम बात करें, नंबर दो पर है लक्षणा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का दूसरा भेद कौन सा है, लक्षणा शब्द शक्ति। इस नाम से स्पष्ट पता चल रहा है,
इस शब्द शक्ति में लक्षण बताए जाएंगे। तो लक्षणा शब्द शक्ति में जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वह शब्द लक्षक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? लक्षक शब्द कहलाता है। किसमें? लक्षणा शब्द शक्ति में। और लक्षक शब्द से जो अर्थ निकलेगा वह अर्थ क्या कहलाएगा? लक्ष्यार्थ कहलाएगा। वापस देखना, लक्षणा शब्द शक्ति में प्रयुक्त शब्द लक्षक कहलाता है और लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षक शब्द से निकलने वाला जो अर्थ होता है वह लक्ष्यार्थ कहलाता है। तीसरा, शब्द शक्ति का जो तीसरा भेद है वह है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति, यह शब्द शक्ति का तीसरा भेद है व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति में प्रयुक्त शब्द जो होगा वह क्या कहलाएगा? व्यंजक। व्यंजना शब्द शक्ति में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। और व्यंजक शब्द से निकलने वाला जो अर्थ होगा वह क्या कहलाएगा? व्यंग्यार्थ कहलाएगा। व्यंजना शब्द शक्ति में प्रयुक्त शब्द व्यंजक कहलाता है और व्यंजक शब्द से निकलने वाला अर्थ जो होता है वह व्यंग्यार्थ कहलाता है। व्यंग्यार्थ को हम ध्वनियार्थ भी कह सकते हैं। व्यंग्यार्थ को हम प्रतीयमानार्थ क्या कह सकते हैं? प्रतीयमानार्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने शब्द शक्ति का भेद किया है, शब्द शक्ति को तीन भागों में बांटा है और तीनों भागों के हमने शब्दों को भी लिखा है और तीनों शब्दों के हमने अर्थ भी लिखे हैं। तो एक बार वापस हम शब्द शक्ति को वापस रिवाइज करते हैं यहाँ से लेकर के। शब्द शक्ति की जब परिभाषा की बात करें, शब्द शक्ति की जब परिभाषा की बात करें शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे सीता पुस्तक पढ़ रही है, राजीव गधा है, शाम हो गई पंजाब से रहे, इन चारों वाक्यों के मैंने आपको अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। यानी इन शब्दों के हम क्या अर्थ लेते हैं और किस प्रसंग के अनुसार हम इनका प्रयोग करते हैं वह अर्थ हमने प्रयुक्त किए। जैसे यहाँ पर गधा शब्द जो है मूर्ख प्रवृत्ति के लोगों का प्रतीक बताया गया है। नेक्स्ट, पंजाब शब्द जो है पंजाब के लोगों का प्रतीक है और शेर शब्द जो वीरता का प्रतीक है। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे पंजाब की जगह अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूँ, दूसरा वर्ड लूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है। तो वहाँ पर लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है, तो शेर शब्द जो है लाला लाजपत राय की वीरता का प्रतीक है। अगर मैं किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जब तुलना करता हूँ, जैसे वह लड़का, जैसे आदित्य तो बाहुबली है, आदित्य की विशेषताओं को मैंने बाहुबली के समकक्ष बताया, इसका मतलब ये नहीं वास्तव में वो बाहुबली है। वहाँ पर जो बाहुबली शब्द जो है वो किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है, इसलिए वहाँ पर लक्षण बताए गए हैं और वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब हमने शब्द शक्ति का विभाजन किया था कि शब्द शक्ति का हम विभाजन किस तरीके से करते हैं, तो शब्द शक्ति के विभाजन के तौर पर शब्द शक्ति को हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। नंबर एक, अभिधा शब्द शक्ति। नंबर दो, लक्षणा शब्द शक्ति। और नंबर तीन पर है व्यंजना शब्द शक्ति। तीनों शब्द शक्ति का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग भूमिका होती है। सबसे आसान भाषा में अगर शब्द शक्ति का नाम लिया जाए तो अभिधा शब्द शक्ति होगी, नंबर दो पर लक्षणा और नंबर तीन पर व्यंजना। शब्द शक्ति में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? शब्द शक्ति में तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक तो वाचक शब्द होता है, दूसरा लक्षक शब्द होता है और तीसरा व्यंजक शब्द होता है। शब्द शक्ति में कौन कौन से अर्थ लिए जाते हैं? शब्द शक्ति में एक तो वाच्यार्थ लिया जाता है, एक लक्ष्यार्थ लिया जाते हैं और एक व्यंग्यार्थ लिया जाता है। तो ये तीनों प्रश्न अलग, ये भी तीनों प्रश्न अलग
और ये भी तीनों प्रश्न अलग, लेकिन इस इंडेक्स के माध्यम से हम सभी प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति में प्रयुक्त शब्द वाचक कहलाता है, ये तो होगी वाचक की परिभाषा। अब वाच्यार्थ किसे कहते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति में वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ क्या कहलाता है, वाच्यार्थ कहलाता है। चाहे मुख्यार्थ की परिभाषा पूछो, चाहे अभिधेयार्थ की परिभाषा पूछो, तीनों की परिभाषाएं समान ही होती हैं। दूसरा प्रश्न, लक्षक शब्द किसे कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति में प्रयुक्त शब्द लक्षक शब्द कहलाता है। ये होगी लक्षक की परिभाषा। इसका अर्थ लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ किसे कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षक शब्द से निकलने वाला अर्थ जो होता है वो क्या कहलाता है, लक्ष्यार्थ कहलाता है। नंबर तीन पर है व्यंजना शब्द शक्ति, अर्थात व्यंजक शब्द किसे कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति में प्रयुक्त शब्द व्यंजक कहलाता है। व्यंग्यार्थ की परिभाषा क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंजक शब्द से निकलने वाला जो अर्थ होगा वह क्या कहलाएगा, व्यंग्यार्थ कहलाएगा। अब लक्षणा शब्द शक्ति की जब हम बात करें तो लक्षणा शब्द शक्ति में, लक्षणा शब्द शक्ति में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी होता है, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग। कौन सी शब्द शक्ति में, लक्षणा शब्द शक्ति में। अगर किसी भी उदाहरण में अगर हमें ये लग रहा है कोई लोकोक्ति बताई गई है, अगर हमें ये महसूस हो रहा है कोई मुहावरा बताया गया है, जैसे 9-2-11 होना, नाक को चने चबाना, ईद का चांद होना, ये सभी क्या है, मुहावरे हैं, ठीक है। तो ऐसे मुहावरे या लोकोक्ति अगर कहीं किसी भी उदाहरण में हमें पूछ दी जाती है और उस उदाहरण के बारे में हमें ये कहा जाता है इसमें कौन से शब्द शक्ति हैं परिभाषित कीजिए, तो वहाँ पर हमेशा प्राय लगभग जो शब्द शक्ति होगी वो कौन सी होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी, क्योंकि लोकोक्ति और मुहावरे काव्य में वहीं पर प्रयुक्त किए जाते हैं जहाँ पर कुछ न कुछ लक्षण बताए गए हो, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। यहाँ पर बताया गया है व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ व ध्वन्यार्थ व प्रतिमानार्थ, ये तीनों अर्थ जो होते हैं वो समान ही होते हैं। बात करें अभिधा शब्द शक्ति, अब अभिधा शब्द शक्ति की और भी कुछ एक विशेषता होती है, जैसे अभिधा शब्द शक्ति में संकेतार्थ भी लिया जाता है, संकेतार्थ के अलावा हम ये भी कह सकते हैं जो लोक प्रचलित अर्थ जो होता है, यानी जो फेमस जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य जो होगा, यानी लोक प्रचलित बात या कथन जो होगी आपकी वह किसमें आएगी, आपकी अभिधा शब्द शक्ति में, किसमें होगी, अभिधा शब्द शक्ति में होगी। तो आज हमने अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में पढ़ा है, तो इसके अनुसार हम कितने प्रश्न बना सकते हैं। पहला प्रश्न, शब्द शक्ति का अर्थ क्या होता है, क्षमता या प्रभाव। दूसरा प्रश्न, शब्द शक्ति की परिभाषा दीजिए। तीसरा प्रश्न, शब्द शक्ति को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न, राजीव गधा है पंक्ति में निहित शब्द शक्ति का नाम व परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, शब्द शक्ति को परिभाषित कीजिए व उसके भेद लिखिए। तो हमने भेदों के बारे में बात की। अगला प्रश्न, शब्द शक्ति के कितने भागों में बांटा गया है, तीनों भागों में बांटा गया है। अभिधा शब्द शक्ति में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, वाचक शब्द किसे कहते हैं, लक्षक शब्द किसे कहते हैं, व्यंजक शब्द किसे कहते हैं, वाच्यार्थ व वाचक में क्या अर्थ होता है, लक्षक व लक्ष्यार्थ में क्या अर्थ होता है, व्यंजक और व्यंग्यार्थ में क्या अर्थ होता है।